दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आप लोग बहुत सारी जो है मुझे ईमेल के जरिए पता लगता है कि आप लोगों को कुछ कुछ डिश बनाना है, और किसी ने मुझे पूछा था कि दही बड़ा कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से दही बड़ा बिल्कुल आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो मैं भी आपको पहले दाल दिखाऊंगा, किस तरह से क्या प्रोसेस है वो बताऊंगा आपको। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैंने जो पहले दाल जो है आपको दिखा देता हूँ जो भिगा के रखी हुई है, तो ये है। अब मैं इसको पीसूंगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी दाल जो है मैंने मिक्सी में पीस ली है, और देखिए किस तरह से गाढ़ी है। तो इसको मैं थोड़ा पानी डालूंगा इसमें। तो मैं मिक्सी में जब मैं पीस रहा था तो थोड़ा सा जो हार्ड थी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पीसा हूँ। आप भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कर लें। इसे मैं नमक डाल चुका हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जब आगे आप दही बड़ा के लिए जब जाएंगे तो आपको आगे भी नमक डालना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और खाने का सोडा, तो ये 1 चुटकी जो है हमें खाने का सोडा मैं इसमें डालूंगा। तो चूंकि मेरी दाल थोड़ी सी है तो मैं 1 चुटकी डालूंगा। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो 2 चुटकी ले लीजिएगा। इसके अलावा मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं इसको मैं बिल्कुल कड़क करूंगा। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा और पतला करूंगा ताकि जो है मैं आसानी से जो है इसके बड़े बना सकूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो बिल्कुल हल्का सा पानी डालूंगा इस तरह से, और इसको मिक्स करूंगा मैं। और जल्दी बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इसको जो है अगर ज़्यादा देर रखूंगा तो ये पानी जो है, ये जो पेस्ट एकदम नरम हो जाएगा, जिससे पकोड़े बनेंगे नहीं। तो इसको मैं तुरंत जो है अभी पकोड़े बनाऊंगा। आप भी जब पकोड़े बनाने वाले होंगे तभी पानी ऐड करना। तो दोस्तों ये मेरा तेल बिल्कुल कड़क हो चुका है, बिल्कुल आपको भी बिल्कुल कड़क करना है। और जब मैं पकौड़े डालने जा रहा हूँ तो तेल की जो है सीम वो कम कर दूंगा मैं, यानी गैस की सीम कम कर दूंगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मैंने कितना वो किया, देखिए कितना सॉफ्ट, इसे जो है अच्छे से जो दही बड़े बन जाने चाहिए उस हिसाब से आपको मिलाना है। ये देखिए, तो मैं आपको एक दो बना के दिखाता हूँ। तो पहले हल्का सा पानी लगा लूँगा हाथ में ताकि आसानी से छूट जाए। तो ये देखिए इस तरह से, ना बहुत बड़े साइज़ के बनाना है ना बहुत छोटे साइज के बनाना है, मीडियम आकार का बनाना है। तो इसको अभी जो मैं धीमी आंच पे इसको पकाऊंगा, और इसको ज़्यादा पकाऊंगा भी नहीं, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारा जो है ये बड़ा, देखिए बस इतना ही इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो है आपका दही बड़ा बिल्कुल काला काला बनेगा। तो अब हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से, और अब हम इसे सीधा पानी में डालेंगे इसमें, और इसी तरह से हम बना बना के डालेंगे इसमें। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने दही बड़े को जो है मैंने पानी में, ये बड़े को तल के सीधा इसमें डाला था पानी में। अब ये करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको निचोड़ निचोड़ के बाजू में रखूँ, तो निचोड़ना कैसा, देखिए दोस्तों इस तरह से इसका पानी जो है निकल जाना चाहिए इस तरह से, और इस तरह से आप करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आगे का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो इस तरह से इसका पानी निकल जाना चाहिए। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इसको निचोड़ के रखा हुआ है। दही मैंने इधर देख लीजिए, ये दही हल्की मीठी होनी चाहिए दोस्तों, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हल्की खट्टी लग रही तो थोड़ा कुछ मीठा डाल सकते हैं आप हल्का सा, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए बहुत, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चटनी है बहुत बढ़िया बेहतरीन जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखिए दही को मैंने किस तरह से किया हुआ, इस तरह से आप फेंट लें इसको,
इस तरह से। अब हम कैसे सर्व करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम इसमें डालेंगे दही, तो इस तरह से हम दही डालेंगे। देखिए अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, तो मैं नमक डाल रहा हूँ। देखिए बिल्कुल हाथ से डाल रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगा लाल मिर्च, ये देखिए, तो थोड़ा सा डालूंगा दोस्तों इसमें, देखिए मिर्च, नमक आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और यह है भुना हुआ जीरा, तो आप इस पे चाट मसाला भी ले सकते हैं, और भुना हुआ जीरा तो है ही है, बढ़िया। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, देखिए इससे गजब का फ्लेवर आएगा जब आप खाएंगे। तो ये भुना हुआ जीरा है दोस्तों, जीरा को भून लिया, उसके बाद इसको हल्का सा जो क्रश किया हुआ है, अब इसमें डालेंगे हम चटनी। तो ये खट्टी मीठी चटनी है, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है चटनी बनाते हैं, खट्टी मीठी चटनी। इसके ऊपर मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है, आप देख सकते हैं। तो ये इमली और गुड़ की है, तो अब हम इसको इसमें डालेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका फ्लेवर जो है डबल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बनाइए और खाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। अगर कुछ आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ आप मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।